दिक्कत आती है। जगह काफी खूबसूरत है, काफी खूबसूरत ग्रीन। हाँ समझ गया समझ गया, ठीक है। ज्यादा हो रहा है क्या? हाँ फैमिली ब्लॉग है। हाँ फैमिली ब्लॉग। तुमने तो गाड़ी मोड़ दी है। आगे आगे। तो भाई अभी इस वाली राइड में जाने वाला हूँ। एक भाई मिले थे और जिन्होंने मेरी आंखों से मुझे पहचान लिया जबकि मैंने मास्क और लगा रखा था। हेलो पीपल, वेलकम बैक टू एसी दिल्ली व्लॉग्स। तो आज मैं आ गया हूँ अप्पू घर, जो कि गुड़गांव में सबसे बड़ा वाटर पार्क है दिल्ली NCR का, और इसके नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो है हुड्डा सिटी सेंटर है, उसके सबसे पास में पड़ता है, लगभग 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो आज जहाँ मैं आया हूँ यहाँ की चल के अगर अंदर देखेंगे क्या क्या राइड्स हैं और क्या टिकट के प्राइजेस हैं। बहुत ही ज़बरदस्त वाटर पार्क है। अब तक मैंने लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि अटलांटिक वाटर पार्क काफ़ी बढ़िया वाटर पार्क था, मगर सुनने में आया कि ये उससे भी बढ़िया वाला है। तो मैंने कहा चल के देखना चाहिए एक बार अप्पू घर को भी। तो आज यहाँ आए हैं। तो दोस्तों एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरी वीडियोज़ को लगभग 1.5 लाख लोगों ने देखा है मगर सब्सक्राइबर बहुत कम आए। तो दोस्तों एक बार आप लोग अपना दम दिखाओ और जम के सब्सक्राइब करो एक बार धमाकेदार तरीके से। तो दोस्तों चैनल पे अभी अभी गिव अवे किया है हमने लास्ट वाला, और इसके बाद नया गिव अवे लाने वाले हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहेंगे तो जल्द ही एक नया गिव अवे भी आएगा। और पिछली बार मैंने 3 लोगों को गिव अवे दिया था और आने वाला गिव अवे जो होगा 10 लोगों को मिलने वाला है। तो दोस्तों जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करते रहो, कमेंट्स करते रहेंगे आप लोग, तो बहुत ही जल्दी मैं 10 लोगों का गिव अवे लाने वाला हूँ। मजा आने वाला है, बहुत ही फन आज का डे होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों अभी अंदर आ गए टिकट लेने के लिए। तो सामने टिकट काउंटर है मेरे पीछे, और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे आपको सुंदर सुंदर लोग बहुत देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों आज हमें पंडित जी ज्वाइन कर रहे हैं फिर से काफ़ी टाइम बाद, और हमने टिकट ले लिया है। टिकट के प्राइसेस कुछ ऐसे हैं, 1400 रुपये पर पर्सन पड़ा है हमें टिकट का प्राइस, और लॉकर अभी 150 रुपये और 200 रुपये का है, और जिसमें 200 रुपये प्लस सिक्योरिटी आपको एडवांस देना पड़ेगा। मतलब आपको एक ये ऐसा बैंड टाइप दे देंगे, तो बैंड को आपको रिचार्ज करना पड़ता है। आप बैंड को जितने भी रिचार्ज कर लें आप, शाम को आपको जो बचा हुआ अमाउंट होगा वो रिफंड हो जाता है। और कॉस्ट्यूम की बात करूँ तो कॉस्ट्यूम कुछ ऐसे हैं कि आपको कॉस्ट्यूम खरीदना पड़ता है 250 रुपये, 300, 350, 400, 500, अलग अलग तरीके के अलग अलग कॉस्ट्यूम हैं। तो जो आपको पसंद हो वो आप ले सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे कोई रेंट का हिसाब किताब नहीं है कि कितने का, मतलब रेंट के हिसाब से आप कॉस्ट्यूम नहीं ले सकते, आपको खरीदना ही पड़ता है। तो चलिए चलते हैं अभी अंदर। टिकट तो हमने ले लिया है, और बुफे वगैरह हमने नहीं लिया है। अगर बुफे इंक्लूड करते तो 400-500 रुपये का पड़ता है पर पर्सन बुफे, मतलब काफ़ी महंगा है ये। तो चलते हैं अभी अंदर। सिटिंग है जी, यहाँ काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो चलो दिखाता हूँ आपको। चलो अंदर चल के अभी देखते हैं थोड़ी देर में क्या क्या कैसा कैसा है, और खाने का क्या क्या हिसाब किताब है वो भी बता दूंगा देख के। बाकी मैंने बुफे इंक्लूड नहीं कराया है, अलग से भी ले सकते हैं, इसमें रिचार्ज करके आप हर चीज़ यूज़ कर सकते हैं अंदर। मतलब इनका अपना पैसा चलता है ये बैंड वाला। ना ना वो तो है, वो तो एंट्री पास है, इसमें रिचार्ज करा रखा है, जितना रिचार्ज कराएंगे उतना यूज़ कर पाएंगे। तो काफ़ी अच्छा फैसिलिटी दे रखा है इन्होंने रिचार्ज करने के लिए। भाई साहब एंट्री तो बहुत ज़बरदस्त है, देख रहे हो यहाँ झरना बह रहा है, प्लस इतनी ऊंची दीवार है, अगर वहाँ से सीधा नीचे आए हाँ तो मछली जैसी बदबू आ रही है पानी में से, वो तो आएगी। और मुझे तो अभी से देख के डर लग रहा है, अगर इतनी ऊपर तो फेंक देंगे, 6-7 फ्लोर लग रही है भाई, आनंद तो आने वाला है। हाँ मज़ेदार है, फ्लोर जितने भी हो कूदेंगे अपन 10 बार करते हैं। भाई साहब इनका कॉन्फिडेंस देख के मुझे और डर लग रहा है। अरे तुम कूदोगे मुझे डर लग रहा है ना। अरे मैं नहीं जाऊँगा भाई, मैं छोटी छोटी राइड लूंगा, बच्चों वाली। नहीं बच्चों वाली राइड नहीं, तगड़ी वाली राइड लूंगा आज, दमदार वाला, मजेदार वाला। मतलब कूदो तो आंखों से खून निकले, आंखों से खून निकले, जहां जहां से खून निकला फर्क नहीं पड़ता, कूदना दमदार है। हां ठीक है। तो भाई ये है चेंजिंग रूम, चेंजिंग रूम यहाँ का भी काफी बढ़िया है। चलो तो ये यहाँ पे लॉकर और कॉस्ट्यूम वगैरह मिलता है। तो ये लेडीज के कपड़े मिल रहे हैं, और इस तरफ चले आएंगे तो जेंट्स के कपड़े हैं। यार रेट वगैरह नहीं लिखा यहाँ प्राइस, मगर ऑनलाइन मैंने प्राइस देखा था तो प्राइजेस कुछ है इनके। नहीं नहीं नायलॉन के, सारे नायलॉन हैं। हाँ स्ट्रेचेबल तो रहते हैं ये, नायलॉन पन्नी वाला वैसा होता है वो। तो ये सारे के सारे जो कपड़े हैं ये लगभग वही है, 250 से स्टार्ट होते हैं, 400-500 रुपये तक के मिलेंगे ये। तो भाई प्राइस ये लिखे हुए हैं देख लो आप। तो दोस्तों कॉस्ट्यूम चेंज कर लिया, अभी चलते हैं। देखो एक कच्चा हमने ले लिया था, वही हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो के बाहर ही डीकैथलॉन था, और बाहर आउटलेट भी हैं लोकल आउटलेट, वहाँ से भी आपको ये कपड़े मिल जाएंगे, यहाँ से भी ले सकते हैं। तो चलते हैं भाई, एंट्री गेट ये है अपनी, धमाकेदार एंट्री करेंगे आज भाई। यहाँ लिखा ले भाई एंट्री हो गई, अरे लेजी पूल, यहाँ से काफ़ी बड़ा लग रहा है ये, बस पड़े रहो लेजी पड़े रहो इसमें, जलवा तो देखेंगे भाई यार।
कि दोस्तों अगर देख रहे हो मेरे सामने तो मेट्रो चल रही है हुड्डा सिटी सेंटर ही है, विंग्स है, पंख है तो... मगर आपको पूरा घूम के आना पड़ता है, यहाँ पे कोई सीधा रास्ता नहीं है इसके लिए। क्या हो पंडित जी? गर्मी पहले बच्चों वाले में चल रहे हैं भाई, यहाँ से शुरुआत करेंगे फिर जाएंगे लंबी वाली राइड। जो भी बच्चे देख रहे हो भाई सब्सक्राइब कर लो, एकदम मजेदार है ऐसे ही। पानी है जहाँ नहीं है मैं साइड से निकलूंगा। ओए पंडित जी तो चले गए भाई, अब मेरा नंबर। मछली 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 जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो अब चल रहे हैं टनल वाले में। कहाँ है टनल वाला? अरे ऊपर है, वो रहा। तो भाई इस वाली में जाने की बात कर रहे हैं अभी। ये देखो यहाँ से बिल्कुल सीधा नीचे है भाई, बहुत स्पीड में जाएंगे तड़ 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 करते हुए। जाओ 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 भाई, फिर नीचे। वो चले गए भाई, वो निकल गए। ये तो बच्चों वाली राइड है सारी की सारी, बाकी बड़ों वाली राइड बहुत खतरनाक है, वो सबसे ऊंची वाली राइड वो। ओ भाई साहब अरे देवी जी, उसमें एक दिक्कत आती है बोलते हैं। तो भाई अब सबसे बड़ी वाली राइड लेने जा रहे हैं जो 100 फीट लगभग ऊंची है, पूरे दिल्ली NCR क्या कहूँ, पूरे भारत में सबसे ऊंची राइड होने वाली है ये वाली। तो चलते हैं भाई, पंडित जी बड़े साइज लग रहे हैं, कह रहे हैं बैक टू बैक 10 बार जाने वाला हूँ इसमें। अभी आप 10 बार कूदने वाले हैं, खतरनाक इन्वायरमेंट होगा। बच्चों वाली राइड तो बस स्टार्टर था, वो क्या बोलते हैं स्टार्टर मेनू स्टार्टर लिया था, आप लेंगे मेन कोर्स। सबसे बड़ी वाली राइड 6 फ्लोर से ज्यादा होगा, मुझे तो ज्यादा ही लग रहा है ये 6 फ्लोर होगा। ये वाली कहाँ लेके जाएंगे भैया? ऊपर लेके चले। तो पहले भाई ये वाली राइड मिल गई बीच में, इसे लेके चलते हैं आप करेंगे ये ट्यूब वाली राइड। ओ भाई 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 खतरनाक। हाँ। वो राइड क्या जिसमें फटे ना पैंट फटेगी? पैंट कहीं फटेगी नहीं नहीं नहीं, पैंट फटी तो दिक्कत है, बेइज्जती। पैंट के अंदर ही पैंट होता है ना भाई, छोटा पैंट। पैंट फटे तो फटे, चड्डी ना फटे, चड्डी ना फटे भाई। यहाँ ये बड़ वाली राइड है, सारी की सारी राइड बच्चों के बस की बात नहीं है ये, मगर चढ़ते चढ़ते हालत खराब हो जा रही है भाई। तो भाई यहाँ हल्का सा वेटिंग है, चार पांच लोग आगे पीछे हैं। चलो 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 चलो। तो ये देखो भाई, ये खतरनाक राइड है जो अभी लेने वाले हैं, और इसके बाद सबसे ऊपर वाली तो ये है यार, सबसे खतरनाक राइड है, टहलाने में छिल जाएगी, सूखी राइड है। अरे हाँ यार, पानी कहाँ है इसमें? तो टनल वाली मिले हमको ये राइड, अगर सूखी है तो उस पे कैसे जाएंगे? जाओ, आग लग जाएगी, धुआं निकले पीछे से, असली वाला। ये है सबसे ऊंची वाली भाई, खतरनाक वाली राइड, इस पे कह रहे हैं 10 बार जाएंगे। तो भाई इस टनल में जाने वाले हैं अभी, कोई पहले हमसे गया है वो निकले, उसके बाद हम एंट्री करते हैं। वो चिल्ला रहा है, देखो नीचे जाते जाते आगे। अरे यार कुछ दिखा नहीं, और बहुत टेढ़ा मेरा था यार। अरे यार एकदम धक्का मारा, कहीं से भी पलट जाओ, और क्या अभी फिर चलेंगे इसी निकल। अरे यार बैक टू बैक। अरे भाई साहब बहुत तेज स्पीड थी, अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था। लो फिर से जा रहे हैं भाई, चलो चलो चलो। जगह काफी खूबसूरत है भाई, काफी खूबसूरत है, ग्रीनरी बहुत है यहाँ पे। हाँ समझ गया समझ गया, ठीक है, ज्यादा हो रहा है क्या? हाँ फैमिली व्लॉग है। हाँ फैमिली व्लॉग, दौड़ के चले। चलो चलो
सुन लो भाई, 500 से भीग गए हैं मगर फिर भी काफ़ी भीड़ दिख रही है यहाँ पे। फिर भी आ गए हैं उसी वाली में, इसी वाली राइडों को फिर से लेने वाले हैं। तो भाई आगे मुझे बैठना पड़ता है और क्योंकि मेरा वेट कम है और पंडित जी का वेट ज़्यादा है, आगे मुझे बैठना पड़ेगा भाई। तो दोस्तों जो लोग कमेंट में कहते हैं कि भाई अलग अलग सी आवाज़ निकालता हूँ, मैं कोशिश करूँगा कम से कम आवाज़ निकालूँ, बस यही आवाज़ निकलेगी, आवाज़ निकल ही जाएगी भाई 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 नाश्ता पानी हो गया राइड का, अब हम गजब के खतरनाक वाले में जाने वाले हैं और अभी बैक टू बैक 10 बार में जाने वाला हूँ और तुम फास्ट मोशन करके रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो अभी आएगा आनंद। बच्चे तो यहाँ रहते हैं नीचे वाले पे, अब चल रहा है प्रो वाली राइड के लिए। तो भाई इस वाली राइड पे तो चढ़ते चढ़ते हालत खराब हो गई। तो दोस्तों इतनी ऊंचाई से देखो पूरा वाटर पार्क दिख रहा है आपको घर का, बहुत ज़बरदस्त वाटर पार्क है, काफ़ी बड़ा है भाई और इसमें सबसे ऊंची वाली राइड पे हूँ मैं। तो भाई ये सबसे ऊंची वाली राइड है जो 100 फीट ऊंची है, ऊंची है ना, 92 फीट ऊंची है, लगभग पूरे भारत का सबसे ऊंचा हाइट वाला होगा ना ये। तो भारत की सबसे ऊंची हाइट वाली ये स्लाइड है और इस पे बिना टी शर्ट के जाने नहीं देते, जो पीठ छिल जाती है। तो अगर आपको इस पे इस वाली राइड को लेना है तो भाई नायलॉन की टी शर्ट जरूरी है यहाँ पे। तो चलते हैं अभी टी शर्ट लेके आते हैं क्योंकि हमने टी शर्ट तो ले यार, 300 की चपत और लग गई, खाना तो मिला नहीं था यार। तो ये है ऊपर वाली राइड जिसे अभी मना किया गया है, मगर टी शर्ट लेके आ रहे हैं, इसे करनी तो है ही। अरे पंडित जी। तो अभी जो बैंड रिचार्ज करा था ना, इससे अब टी शर्ट ले रहे हैं, सस्ती वाली टी शर्ट लेंगे यहाँ से। सस्ती वाली टी शर्ट कितने की? 299 की, 229 के ना ये, 99 वाली। हाँ 300 रुपये। अच्छा 300 के लो रखूँ? अरे यार निकालना पड़ा, पंडित जी निकालो, निकालना इसलिए पड़ेगा इनकी मशीन नहीं चलती। लो भैया, तो सस्ती वाली टी शर्ट भी हमें 300 रुपये की पड़ी है ये वाली, देख लेते हैं क्योंकि लंबी वाली राइड लेनी तो भाई टी शर्ट लेनी पड़ती है, बिना टी शर्ट अगर गए ऊंची वाली राइड पर तो छिल जाएगी पीठ। तो भाई एंट्री करते ही ये शावर लगा हुआ है, फुहारा, मजे ले सकते हैं, पहले फुहारे में धुल लो अपने आप को फिर एंटर करो हर पार्क के जैसे। तो पंडित जी जाने वाले हैं भाई सबसे ऊंची वाली राइड पे, खतरनाक वाली राइड, तैयार हैं। ये आ गया भाई पंडित जी, दोबारा आ गए। हाँ ठीक है ठीक है, दूसरी बात हो रही है। 9th बार राइड लेने के लिए आ गए। 9वीं बार, चलो तो दोस्तों 9 बार पूरा कर लिया इन्होंने, 10वीं बार जाने वाले हैं, बड़ा मज़ेदार रहा है इनका अब तक का, मुझे नहीं लगा था कि 10 बार कर पाएंगे और लगातार चढ़े हैं, लगभग 9 फ्लोर ये चढ़े हैं और ये 10वीं बार ही जाने वाले हैं भाई, बहुत मज़ेदार। और इनके हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी भाई साहब, मेरी हिम्मत एक बार की भी नहीं है और ये 10 बार जा चुके हैं और कह रहे हैं मज़ा आ रहा है, तो जा ही रहा है भाई। एनर्जी ड्रिंक ले रहे हैं, 10 बार जाने के लिए इन्हें पानी चाहिए होता, हर बार सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते गला सूख जाता, बाकी तो नीचे जाते टाइम नहीं लगता, 2 से 3 सेकंड में नीचे ना, 2 से 3 सेकंड लगते होंगे। ये हो गई 10वीं राइड पूरी इनकी। तो भाई ये है सबसे ऊंची वाली राइड जिससे भी पंडित जी ने 10 बार स्लाइड किया है लगातार बैक टू बैक, वैसे तो जल्दी कोई आ ही नहीं रहा, इस पर बहुत कम ही जा रहे हैं रेयर, और इन्होंने लगातार भाई साहब बैक टू बैक एकदम हालत ख़राब कर दी, मैं तो देखने में मेरी हालत ख़राब हो गई। फुल एनर्जी, ओ
भाई साहब सुपर स्पीड 2 3 5 भयानक भयानक। तो दोस्तों अब आ गए हैं पूल की तरफ और ये है हमारा वेव पूल। इसमें दो पार्टीशन में वेव पूल है, एक तो ये वाला है और दूसरा वो वाला। तो अभी वो चल रहा है, भीड़ सबसे ज्यादा उसमें, तो अभी उसमें चलते हैं पीछे वाले में। ये क्या 125 रुपए में बनाना से। बाकी पूल में जबरदस्त भीड़ है भाई, इसमें चलेंगे, इसमें आएगा मजा। अभी पंडित जी देखो ये वाली राइड भी है मगर ये चल नहीं रही, इसमें इतनी तेजी से नीचे आते हैं, घूम के फिर निकल जाते हैं उस तरफ से। मगर अभी ये, हाँ ये एक्टिव नहीं है मगर। तो यहाँ बर्गर वगैरह का रेट देख लो भाई, 99 रुपए के हैं, यानी 100 रुपए में सारे आइटम है, देख लो। बर्गर खाएं? हाँ कुछ तो ले लें एक आइटम। तो अभी बर्गर ही खाते हैं क्योंकि खाना है इसमें हमने ऑर्डर नहीं किया है। मजा आ रहा है। भाई बर्गर तो खा लिया हमने, बर्गर खा के पूल में चला, बस गर्दन तक पानी, मुझे तो डर लग रहा है। तैर लिया गजब 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 खतरनाक। आज तैरना सीख गया, इतने दिनों से वाटर पार्क आते आते तैरना भी सीख गया। वेव आने वाली है, वेव दोस्तों जबरदस्त वेव पूल चल रही है और लोग वहाँ एंजॉय कर रहे हैं। मैंने तो एक बार पानी पी लिया, ज़्यादा गहराई में चला गया था, काफ़ी ऊपर पानी उड़ जाता है, लगभग 6 से 7 फीट तक पानी उड़ जाता है। अगर तैरना नहीं आता तो पानी तो ज़रूर आप भी पी लोगे भाई, मगर मज़ा आ गया। तो लास्ट तक मज़ा करके आया हूँ मैं जहाँ तक ये पूल है। दोस्तों अब आ गए हैं लेजी पूल में, अब यहाँ पे एंजॉय करेंगे कुछ देर, लेजी पड़े रहेंगे बस ऐसे ही। तो ये लोग लेजी पूल का एंजॉय करके आ रहे हैं, कैसे सिंगल। तो भाई अपना ट्यूब ले लिया, ट्यूब लेके चलते हैं एंजॉय करने के लिए। और बोलो आ जाओ मैंने कुछ ना बोला, ये देखो पकड़ के बराबर मजा आ रहा है, कितना बहुत ज्यादा। ए बतख की सवारी आ रही, बतख डक की हेड, डक का पेट एंड डक का पूंछ। हाँ चलो चलो, बसर मत फोड़ना अपना। और ले लो और कूदो। तुमने तो गाड़ी मोड़ दी है, ओ खतरनाक भाई, चक्री घुमा दी भाई ने, चक्री घुमा दी। लगता है बच्चा लोग तुमसे बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, इसलिए तुम बच्चा लोगों को हैप्पी करने के लिए कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हो। वैसे मेरे हिसाब से बच्चे लोग चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, नहीं करेंगे? करेंगे। लाल वाला बटन तो है भाई, दबा नहीं पाएंगे? दबा देंगे ना? दबा दो लाइक भी देखना है। अतुल की ये वीडियो कितना टॉप पे जाती है, मैं भी आया हूँ, मेरी भी इज्जत रख लो। अब तो मछली बन गए। गाड़ी आई, गाड़ी गाड़ी फुल स्पीड पैर ऊपर करो, पैर दोनों ऊपर कर लो, ऐसे ही चल लोगी। दोस्तों अब ये वाली राइड लेने वाले हैं, इस राइड के लिए ये चाहिए होता है, मैट चाहिए होता, तो मैट ले आए हैं। गया आगे आगे। तो भाई अभी इस वाली राइड में जाने वाला हूँ। तो दोस्तों लगभग बड़ी वाली छोड़ के सारी राइड होने वाली है मेरी, बस ये येलो वाली बाकी है। अमीरो वाली फीलिंग आ रही है, अमीरो वाली फीलिंग आ रही है। तो दोस्तों आज का शूट करते करते एक खुशखबरी और मिल गई है कि अपने चैनल पर 2000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। बस ऐसे ही प्यार बनाए रहो दोस्तों, बड़ा मजा आ रहा है, ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस लाता रहूँगा, एक से एक एडवेंचरस वीडियो। तो अभी थोड़ी देर में आराम करके फिर चलेंगे, वो सारी की सारी राइड जो बची हुई है ना उसको दोबारा से लूँगा एक बार, जो मतलब नहीं करी हुई है और जो करी हुई है वो भी।
गया तो भाई आ गए। गिरबा टांग टूट जाए। तो दोस्तों वाटर पार्क में हमने मजे कर लिए हैं, आज के लिए इतना ही रहा। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए ऐसे दिल्ली ब्लॉग्स। फिर मिलेंगे किसी नए ब्लॉग में, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, आने वाले सारे ब्लॉग बहुत मज़ेदार होंगे, एडवेंचरस होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। तो चलिए इतना ही रहा, बाय बाय, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में। दोस्तों आज मेट्रो में मेरे साथ एक वाकया हुआ, काफ़ी खुशनुमा वाकया, तो मैंने कहा आप लोगों को बताना चाहिए। एक भाई मिले थे और जिन्होंने मेरी आंखों से मुझे पहचान लिया जबकि मैंने मास्क और लगा रखा था, तो काफ़ी बढ़िया लगा मुझे क्योंकि पहली बार मुझे किसी ने पहचाना है। क्या नाम है भाई आपका? भाई चेतन गुप्ता। चेतन गुप्ता नाम है, भाई ने मुझे पहचान लिया, मुझे बहुत खुशी हो रही है, कोई पहला सब्सक्राइबर है जिसने मुझे पहचाना, तो ये चीज़ बताना बनता था। तो चलिए इतना ही रहा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।